वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के घर में हुआ हमला, किचन पर हुआ हमला। किसने किया हमला? तो बिग बॉस के मेकर्स ने किया सबसे बड़ा हमला। और साथ ही साथ किचन की जितनी भी राशन की जो सामान है, और साथ ही साथ किचन के जितने भी बर्तन हैं, बाकी सारे के सारे जो सामान हैं जो कि ज़रूरत के होते हैं, वो सारे के सारे सामानों को बिग बॉस ने छीन लेते हैं, बिग बॉस के मेकर्स के द्वारा छीन लिया जाता है। अब इस वजह से बिग बॉस के सारे सदस्यों की हालत जो है वो पूरी तरह से टाइट हो जाती है। रूबीना दलायक एक अन्न का दाना भी नहीं खाती हैं बीते दिन, और साथ ही साथ पूरे दिन जो है वो भूखी रहती हैं। और साथ ही साथ बिग बॉस एक मौका देते हैं घर वालों को, एक मौका देते हैं राशन को कमाने के लिए, और साथ ही साथ राशन को पूरी तरह से कमा कर उसका यूज़ करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें जो है बिग बॉस के मेकर्स के तरफ से जो टास्क देते हैं बिग बॉस, उस टास्क को करके रात को 11:30 बजे घर वालों को राशन दिया जाता है बिग बॉस के तरफ से। और तब तक रूबीना दलायक जो है वो भूखी रहती हैं, और साथ ही साथ भूखी रहकर सबसे पहले रूबीना दलायक जो है हर एक सदस्य के लिए खाना बनाती हैं, रोटियां बनाती हैं और साथ ही साथ सब्जियां बनाती हैं। और उसके बाद सभी के सभी सदस्य जब खाना खा लेते हैं, इसके बाद अंत में जाकर रूबीना दलायक खाना खाती हैं। भूखी रहकर सबके लिए सबसे पहले खाना बनाती हैं, इसके बाद अंत में वो खाना खाती हैं। दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ लोग तो बहुत गलत बातें बोल रहे थे जब रूबीना दलायक को अर्शी खान ने लड्डू खिलाया था बीते वीकेंड के बार में। तब रूबीना दलायक ने उसको पूरी तरह से छुप दिया था, उसका प्रॉपर रीज़न था रूबीना दलायक के पास, और उसको लेकर गलत कह रहे थे कुछ लोगों की हम आपको बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बात से आप पूरी तरह से सहमत होंगे हमारे इस राय से, प्लीज़ हमें अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं ये भी आप हमें अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों।